नमस्कार, लीगली स्पीकिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नेहा मिश्रा। आज हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके लिए महिला आरक्षण कानून के एक हिस्से को रद्द करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसको जनगणना के बाद ही लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला आरक्षण कानून को अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाए बगैर लागू किए जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें 128वें संविधान संशोधन विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, याची ने विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की थी। इस संशोधन के जरिए आम चुनाव से पहले महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। पीठ ने इस मामले पर शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित एक याचिका का हवाला दिया और लंबित मामले के साथ ठाकुर की याचिका पर 22 नवंबर को सुनवाई निर्धारित की। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 सितंबर को इस विधेयक पर अपनी सहमति दी थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।